एकुंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लॉ बनाने वाली पावर्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड करी है बाय फ्रेमिंग अप थ्री लिस्ट, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, यानी लेजिस्लेटिव मींस लॉ बनाने वाली पावर्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स में डिवाइड कर दी गई है तीन लिस्टों को फ्रेम करके, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो वाली लिस्ट है जिसमें सारे मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लिखे गए हैं, मींस ये नेशनल इंपॉर्टेंस वाले मैटर है पांच, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। इनके ऊपर अगर कोई भी लॉ बनाना है मींस मोदी को किसी की परमिशन नहीं चाहिए, यानी सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर बैठा है, इन पांच के रूप में पांच चीजों के ऊपर लॉ बनाना तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना लेगी, स्टेट गवर्नमेंट हां करे चाहे ना करे, इन पांच चीजों के ऊपर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है बिना स्टेट गवर्नमेंट की सहमति के। जैसे आर्टिकल 370 स्क्रैप करा मोदी ने, उसमें क्या था, उसने कभी जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा सलाह ली या पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट से सलाह ली, ना उसको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैटर है नेशनल इंपॉर्टेंस का, डिफेंस का। सो मींस रफेल डील जैसे है, रफेल डील में क्या था, इंडिया ने फ्रांस से, हमारी इंडियन कंट्री ने फ्रांस से ली है मिसाइलें, वो जो सी मिसाइलें ली हैं क्या इसने मोदी ने परमिशन ली है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से या यूपी के चीफ मिनिस्टर से, ना। सो इन पांच चीजों को बोला जाता है यूनियन लिस्ट की मैटर्स, यानी इनके ऊपर कोई भी लॉ बनाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की सलाह की जरूरत नहीं है। सो अब दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो वाले मैटर्स है जो उनसे हमारे स्टेट इंपॉर्टेंस वाले हैं, लोकल इंपॉर्टेंस वाले हैं, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। मोदी जो सा कुत्ता बंदा है, ये हमारा एग्रीकल्चर वाली चीज है जो सी, ये हमारी एग्रीकल्चर जो सा है वो स्टेट लिस्ट का मैटर है। मींस अगर जैसे हमारे क्या कहते हैं थ्री लॉज अभी हुए, फार्मर्स बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जो सा, जिसमें तीन फार्म लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं, यानी वो मैटर कौन सा है, उसके ऊपर लॉ बनाने का हक किसका है, स्टेट का, बट बना के कौन बैठा हुआ है, मोदी कुत्ता बना के बैठ गया यूनियन लिस्ट वाला। सो याद रखिएगा, हमारे पास एग्रीकल्चर किसमें आता है, स्टेट लिस्ट में। मींस इन पांच चीजों के ऊपर अगर लॉ बनाना है तो स्टेट की सहमति चाहिए। मींस फार्म बिल आ गया जिसमें थ्री लॉज इंट्रोड्यूस हुए, मोदी ने कोरोना वायरस की आड़ में इसी यूनियन लिस्ट में इसको इस, यानी एग्रीकल्चर वाला मैटर है ना वो यूनियन लिस्ट का मैटर है, तो स्टेट का ही था रोल पूरा कि स्टेट उसको लॉन्च करती, बट वो मोदी ने लॉन्च कर दिया। मींस उसने फेडरल सिस्टम को, हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर बिगाड़ के रख दिया, फेडरलिज्म की भावना खत्म कर दी। फेडरलिज्म में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर वाले जितने भी लॉज हैं वो कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं, बट बना के कौन बैठ गया, मोदी कुत्ता। अब इरिगेशन के ऊपर कोई भी हमने डिसीजन लेना तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिसीजन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, तो वो आगे स्टेट लिस्ट वाले मैटर्स, इसमें कौन से होते हैं मैटर्स ऑफ स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस वाले। और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, जो सारे मैटर यानी कॉमन इंटरेस्ट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। और कॉमन इंटरेस्ट वाले कौन से हैं, ये छह, इन छह चीजों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, कोई भी बना सकता है। उसमें आता क्या है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, वो सारा इसमें आता है। सो बेसिकली फेडरल कंट्री क्यों है इंडिया, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाने वाली शक्ति अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी, स्टेट गवर्नमेंट में भी बांटी हुई है, दोनों में बांटी हुई है बाय फ्रेमिंग अप थ्री लिस्ट, दैट इज यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट।